अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है। सो आज है भाई डे टू ऑफ द कैपिटल सीरीज़, और इसके अंदर मैं आया हूँ F10 मरकज़ के अंदर सीरियन शवारमा खाने के लिए। और बेसिकली भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट जो मैंने अपनी लिस्ट में मेंशन की ना चीज़, वो मैंने सीरियन शवारमा की हुई थी, मैं चलो आज जाके सीरियन शवारमा खाते हैं। सीरियन शवारमा बेसिकली इसकी स्टोरी एग्जैक्टली मैं आप लोगों को इनसे पूछ के बताऊँगा, लेकिन पिछले दिनों ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ठीक है जी, सीरियन शवारमा, आई थिंक ये कोई सीरिया से ब्रदर्स है जो कि आए और उन्होंने ये छोटा सा एक आइडिया यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, और वो आइडिया जो था इनका हिट हो गया, वायरल हो गया। तो फिर अब इनकी मल्टीपल आउटलेट्स भी हैं, बहरिया में भी है, इधर भी, और हम इनसे पूछेंगे कौन कौन सी इनकी कहाँ कहाँ पे करके इनकी आउटलेट्स हैं। और आज पहली दफ़ा मैं ट्राई भी करता हूँ, मैंने खुद बड़ा सोशल मीडिया पर सुना था भाई सीरियन शवारमा बड़ा कोई फेमस हो रहा है, तो चलो आज ट्राई करते हैं कैसा है। ठीक है, आ जाए मेरे साथ। ये है जनाब सीरियन शवारमा। अच्छा, इनकी सेल्फ सर्विस है, तो जो बंदा भी, जिस तरह मैंने आके गाड़ी पार की है, कोई भी लोग आसपास गाड़ियां पार कर रहे हैं, सो उनके जो ये वेटर्स हैं ये आके नहीं सर्व करते हैं, वो कहते हैं भाई आप लोगों ने सेल्फ सर्विस है, इनका इस तरह रूल है। ठीक है ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? खैरियत से। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम सीरियन शवारमा ट्राई कर रहा हूँ, तो आप मुझे रिकमेंड करें क्या, कौन सा बेस्ट है? चिकन शवारमा। ठीक है, बस वो फिर इस तरह का। क्या प्राइस है उसकी? 330 का, दो कर दें। ठीक है, चिकन। अच्छा, इसके अंदर और भी वैरायटी? तो भाई अभी मैंने जो है ना दो चिकन शवारमे ऑर्डर किए हैं, एक चिकन शवारमे की प्राइस मेरे ख्याल है 360 है ना, एक की 330, हाँ, तो दो के बने 3660। और अभी मैं आपको यहाँ पे इनके ओनर से भी मिलवाता हूँ, और मैं इनसे खुद पूछते हैं कि यार ये क्यों, ये कैसे फेमस हुआ था सारा। ठीक है, सामने ही मेन रोड के ऊपर ही, और ये ओनर है भाई। अगर आप दो मिनट के लिए मास्क पहन रहे हैं कि हमें, ताकि सारे ओनर भी देख रहे हैं। आपका गुड नेम क्या है माशाल्लाह? सलीम शाह हाशमी। सलीम शाह हाशमी, और मेरा जो पार्टनर है अब आमर अदनान। सही है। अच्छा, तो आप मतलब कि बहुत लोगों का क्या ख्याल है, मेरा अपना ये ख्याल है कि आप लोग असल में सीरिया से आए थे? जी बिल्कुल, असल से सीरिया से शाम से। अच्छा, सीरिया से माइग्रेट किए थे? जी बिल्कुल। तो कितना अच्छा पहले माइग्रेट किया था? ये तकरीबन अब आमर जो है ना, हमारा मेरा पार्टनर है, वो 8 साल पहले माइग्रेट किया था। 8 साल? हाँ, और इस बिज़नेस के तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। क्या तो इतनी अच्छी उर्दू कैसे आती है आपको? इधर आके सीखी? नहीं, मैं तो लोकल, मैं तो अरबी नहीं हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं? हाँ, मैं जो है ना वो मेरा पार्टनर है। अच्छा, वो सीरिया? अब वो आमिर जो है ना वो सीरिया ने, अभी आया नहीं। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं? जी, आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है। चलो, वो अगर आते तो उनसे भी हम लोग गप लगाते, लेकिन चलो ये देखे भाई माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो एक इसके अंदर जो चिकन है, इसकी क्वान्टिटी कितनी होती होगी? इसमें जो है क्वान्टिटी एक सर्विंग, एक बंदे के एक सर्विंग होता है। नहीं, ये जो सारा आपने लगाया है ये अभी तो कम है, वैसे 140, 120, 160 किलो। तो पहले तकरीबन 2.5 साल पहले हमने इधर से स्टार्ट किया, अब आमर आया था यहाँ पे। अच्छा, और हमने ये फुटपाथ पे एक छोटा सा स्टॉल लगाया। कहाँ पे? मतलब ये F10 ये इसी जगह पे, ये इसी जगह, इस जगह पे स्टार्ट किया? बिल्कुल इसी जगह। ठीक है, हमने एक छोटा सा स्टॉल लगाया था, उसके बाद ऐसा ऐसा अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आप कभी ट्यूब चैनल्स और जो पॉइंट्स और जियो न्यू सब आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कि ये सीरियंस ने आगे ये शुरू किया है, उसने जो ना वीडियो बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके वजह से कस्टमर ज़्यादा बढ़ गया, और फिर आपने वहीं पर अल्लाह ने किया, वहीं पर आपने शॉप वहाँ से, और उसको जो ना हमने उसको प्रमोट किया, अंदर लेकर मशीन, और कुछ 2-3 और सीरिया से हमने बुलवाया, और भी ऐसे ही है जी सीरियन, और भी आपने कहा हमारे इस ब्रांच में भी है, दूसरा ब्रांच में भी जो ना उधर भी है। आपने सीरियस है, और इसलिए बोलवाया कि आपने कहा कि जो सीरियन है उनकी किस्मत अच्छी होती है, दो बंदे उनको नहीं, एक तो किस्मत है, दूसरा दरअसल ये है कि हमारा जो शेफ होता है, जो अरब जायका जो जो कि शोरमा का जो अथेंटिक शोरमा बनाता है, वही अरब बना सकता है। अच्छा, वही जो ना सीरियन है, सीरियन शेफ अच्छा बना। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि भाई आप लोग इनकी रेसिपी चोरी कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से रिस्क होता है, और इनके हाथों में कुछ फ्लेवर है तो अल्लाह ताला इनके पास भेज रहे हैं ना, ऐसा ही है ना। चलिए आप बनाएं, हम आपको देखते हैं बनाते हुए। अच्छा, आपके पास अभी कितनी टाइप के शवारमे हैं? अभी आपके पास कितनी टाइप के शवारमे हैं? और दूसरा हमारे पास साइज़ के डिफरेंस है, जिसका एक है नॉर्मल साइज़ है, और एक जंबो, इसको अरबी में सारुख कहते हैं, और दूसरा प्लेटर होते हैं। अच्छा, अरबिक प्लेटर होते हैं, वो भी है। शशतऊक है, और राइस प्लेटर है हमारे पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बारबेक्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी चीज़ें, हम्मस है, फलाफल है, फलाफल सैंडविच है, और स्वीट्स में हमारे पास है कुनाफा है। आपके पास ऊपर सेटिंग भी है? नहीं, सेटिंग हमारा ऊपर नहीं है, हमारा टेक अवे। इस ब्रांच में हमारा टेक अवे है,
और जो बहरिया वाले ब्रांच है वहाँ पे सेटिंग भी है इनडोर और आउटडोर दोनों। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई। अभी हम खाते हैं, ट्राई करते हैं। ये देखें बाहर इनके कोयले शोयले जल रहे हैं, गर्म हो रहे हैं कोयले शोयले। तो वो जो ओनर हैं वो तो वो फिर शाम के टाइम आते हैं, वो जो दूसरे आपके पार्टनर हैं जी वो शाम का टाइम भी आता है कभी इधर होते हैं कभी उधर। अच्छा, हम दोनों होते हैं, हम दोनों हैं। बस मेरा मूड है किसी दिन आप दोनों के साथ मिल के जाना गप लगाने का इंशाल्लाह। अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये इन्होंने कॉर्नर वाला प्लाजा लिया हुआ है सीरियन शॉर्मा, और इसके साथ जितनी हैं बाकी नॉर्मल शॉप्स हैं, लेकिन कि किसी का इतना बिजनेस नहीं चला, लेकिन इनके पास लिटरली सिर्फ शॉर्मे के 62 नंबर टिकर लगा हुआ है। सो कुछ ना कुछ तो है जो कि अल्लाह ने इनको इतनी माशाल्लाह दी है, और बड़ी खुशबुएँ भी आ रही हैं मुझे तो यहाँ से, जो नमकीन गोश्त की खुशबुएँ, ये और कुछ आइटम्स भी इनके रेडी। तो अभी ये जो चिकन जितना आपने जो नीचे पका के जो गिराया है इससे कितने के शोर में बन जाएंगे? तकरीबन 10 शोर में के 10 एक बन जाएंगे इससे। और ये इसका मतलब कि ये फिर सारे से कितने बन जाएंगे? इससे तकरीबन 80 से 100 तक बन जाएंगे। अच्छा भाई, सो ये ऑर्डर हमारे रेडी हो चुके हैं सीरियन शॉर्मा पे, दो हमने शॉर्मे लिए हैं, इनको अब हम लोग ट्राई करेंगे और फिर आपको मैं इसका रिव्यू दूंगा कि कैसा है। अगर इस्लामाबाद में आप आते हैं तो इस्लामाबाद में सीरियन शॉर्मा बड़ा फेमस हो चुका है इस वक्त, और बड़ा एक वो लोकेशन है जो कि शॉर्मे तो बहुत जगह बोलते हैं बट इसका नाम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं खा के ट्राई करूँगा। आप लोग भी इस्लामाबाद आएँ तो ज़रूर इसको आकर ट्राई करें, ठीक है? लेट्स गो, आ जाएँ। बहुत शुक्रिया। ऐसे हसाम अहमद, आप ब्लॉगिंग करते हैं? नहीं, मैं तो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ, अब मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है इस्लामाबाद को कवर करने के लिए। भाई सो ये सीरियन शॉर्मा आ चुका है हमारे पास, हम इसको ट्राई करने लगे हैं। और आई होप के फ्लेवर भी अच्छा होगा। ये देखें ये फ्रेंच फ्राइज, और सॉल्टेड सा फ्लेवर है अंदर, मुझे लेमन का फ्लेवर आ रहा है, सॉल्टेड फ्लेवर अंदर, ये मेरे ख्याल जलेपीनो है। थोड़ी सी टिंकी, इनकी यूनिक रेसिपी है सीरियन शॉर्मा, क्योंकि अब एक ब्रांड बन गया ना, उसके हिसाब से अगर हम लोग प्राइस को कंपेयर करें प्राइस वाइज, ये अपर साइड पे है। 320 का एक शॉर्मा है, नॉर्मली आपको 150-200 में शॉर्मा मिलता है, जिसके अंदर चिकन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें चिकन की क्वांटिटी उतनी नहीं है बट फ्लेवर डिफरेंट है, और होपफुली साफ सुथरा बना होगा इंशाल्लाह। तो ये अट्रैक्शन है, बड़ा अच्छा है, लाइट सा फ्लेवर है। तो भाई ये था सीरियन शॉर्मा आप सबके लिए, ज़रूर आकर ट्राई करें, अच्छा है, बहुत ही यूनिक फ्लेवर है। पाकिस्तान में अगर आपने शॉर्मे खाए हुए हैं पाकिस्तानी नॉर्मल, तो ये आपको अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा। और जो लोग बाहर पाकिस्तान से देख रहे हैं वो भी इस्लामाबाद आए तो सीरियन शॉर्मा भी ज़रूर खाएं, ठीक है? आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दें कि कैपिटल सीरीज़ के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूँ, मैंने बहुत एक लंबी लिस्ट बनाई हुई है, बट क्या पता कि मैं कैपिटल सीरीज़ को ख़त्म करूँ और पता चले जी कोई और नाम आ गया बीच में, कोई और इम्पोर्टेंट जगह, तो ज़रूर आपने मुझे बताना है कि कोई ऐसी लोकेशन जो मैं मिस ना हो जाए। I'll see you guys in the next one. Okay, bye. Allah Hafiz.